गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी लवर्स। तो गाइस आज हम करने वाले हैं डीआईवाई एलोवेरा फेशियल। तो गाइस इस फेशियल को करने में हमारे फेस पे जितने भी डर्ट है गाइस वो भी रिमूव हो गए और हमारे फेस पे इंस्टेंटली ग्लो आएगा। तो गाइस इस फेस फेशियल को करने में आपके कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। आपके किचन में जितने भी इंग्रेडिएंट हैं गाइस वो यूज़ होंगे और बाकी आपको ये फ्री में होने वाला फेशियल है। तो गाइस इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग, स्क्रबिंग, मसाज और फेस मास्क। तो गाइस आप 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। आप 10 मिनट में डीआईवाई एलोवेरा फेशियल कर सकते हो घर पर। तो गाइस सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्लीन अपने फेस को। तो गाइस आप अपने फेस को और हाथों को अच्छे से वॉश करना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने हाथ और फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्लींजिंग। तो गाइस क्लींजिंग के लिए आपको लेना होगा इस तरह का बाउल और गाइस उसमें आपको 1 चम्मच एलोवेरा यूज़ करनी होगी। या तो गाइस आप मार्केट वाली एलोवेरा ले सकते हो या आप घर पे अपना पेस्ट बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं मार्केट वाली पतंजलि की एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गाइस मैं 1 चम्मच एलोवेरा लूँगी अपने फेस को क्लींजिंग के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं कम से कम 1 चम्मच लूँगी। तो गाइस इसमें आपको ऐड करना होगा लेमन। तो गाइस यहाँ पर मैं कम से कम आधा चम्मच यहाँ पे लेमन का ले रही हूँ। तो गाइस इन दोनों को मिक्स करके आपको एक पेस्ट बनाना है। तो गाइस इस तरह का पतला सा पेस्ट बन जाएगा। तो गाइस आपको कम से कम 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं आपको बनाना है। गाइस इसे लेके अपने फेस पे अच्छे से इसकी क्लींजिंग करनी है। गाइस इस आप हाथ से कर रहे हो या इसे आप कॉटन की हेल्प से भी ले सकते हो। तो गाइस इसे मैंने अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है। तो कम से कम इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे रहने दूंगी। तो गाइस इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो गाइस इसे मैं अपने फेस से हटा लूंगी, रिमूव कर लूंगी पैड की हेल्प से। तो गाइस हमारे फेस पे जो भी डर्ट है वो रिमूव हो जाएगी। गाइस अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हो। गाइस देख सकते हो इसने जो भी डर्ट है वो निकाल दी है। तो गाइस हमारा सेकंड स्टेप होगा स्क्रबिंग। तो गाइस स्क्रबिंग के लिए आपको क्या करना होगा, जो इसमें एलोवेरा जो बच गया है तो गाइस एज इट इज रहने देना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आधा चम्मच इसमें और एलोवेरा जेल डालना है। तो गाइस यहाँ पर मैं आधा चम्मच एलोवेरा जेल डाल रही हूँ और गाइस इसमें आपको डालनी है आधे चम्मच चीनी। तो गाइस आपको क्या करना है, जो चीनी है उसे पीस लेना है पहले और उसे कम से कम से आपको पीसना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रहने देना है। तो गाइस कम से कम आपको आधा चम्मच इसे इसमें चीनी डालनी है। तो गाइस इसे हम एज अ स्क्रब यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे। तो गाइस इसे अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है। गाइस स्क्रबिंग करने से हमारे फेस पे जितने भी डर्ट है गाइस वो भी रिमूव हो रहेगा और हमारे फेस पे जितने भी गाइस डलनेस है गाइस उसे रिमूव करके हमारे फेस पे इंस्टेंटली ग्लो देगा। गाइस स्क्रब करना आपको पता ही है हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस इससे क्या होगा कि हमारे जो स्किन का गाइस जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। गाइस जिस तरह से आप अपने फेस पे जितनी मसाज करोगे हमारे फेस के लिए उतना ही ज़्यादा ये बेनिफिट देगा। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपने फेस पे स्टेप बाय स्टेप अपने फेस पे इसे अच्छे से मसाज करना है, जिससे क्या होगा कि हमारे स्किन का जो कलर है गाइस वो इंस्टेंटली फेयर होगा। गाइस इस तरह से मसाज करने से आपका हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, हमारी स्किन हेल्दी होती है। तो गाइस आपको सर्कुलर मोशन में इसके नेक के अराउंड अपने चीक बोन्स पे अच्छे से इसकी मसाज करनी है। आपको 4 से 5 मिनट के लिए अपने फेस की मसाज करनी है स्क्रब करने से।
गाइस इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे रहने दूंगी। सो गाइस इसे लगे हुए कम से कम 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो गाइस इसे मैं क्या करूंगी, पैड की हेल्प से अब इसे रिमूव कर लूंगी। गाइस हमारा थर्ड स्टेप होगा मसाज। तो गाइस मसाज करने के लिए आप या तो ये वाला एरोवेरा जेल यूज कर सकते हो, या आप जो घर पे प्लांट होता है गाइस वो भी यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर घर का जो बना हुआ है वो वाला एलोवेरा ले रही हूँ। तो गाइस इसमें छोटा सा टुकड़ा मैं लेऊंगी और अपने फेस पे इससे इस तरह से मसाज करूंगी। गाइस मसाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस मसाज करने आपको इसे अच्छे से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। गाइस इससे क्या होगा कि हमारा स्किन का जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है गाइस वो अच्छा होगा और हमारी स्किन को गाइस ये ग्लोइंग बनाएगा और हमारी स्किन को हेल्दी करेगा। तो गाइस आप ध्यान रखें कि मसाज आपको अच्छे से करनी है, इसे ज़्यादा टाइम देना है मसाज को। गाइस अब मैं यहाँ पर अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पे। गाइस आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करनी है। गाइस आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इससे ऐसे ही मसाज करनी है। गाइस आप देख ही सकते हो इसने मेरे फेस पे कितना ग्लो दिया है। तो गाइस इसे कम से कम मैं 2 से 3 मिनट ऐसे रहने दूंगी। तो गाइज अब हमारा फोर्थ स्टेप होगा गाइज, वो होगा फेस मास्क। तो गाइज फेस मास्क बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा एलोवेरा जेल। तो गाइज यहाँ पर मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल के ले रही हूँ। इसमें आपको ऐड करना है ग्लिसरीन। तो गाइज इसमें हमें कम से कम 1 चम्मच यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। गाइस इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से ही मिक्स कर रही हूँ और इस पेस्ट गाइस ये ट्रांसपेरेंट सा ही है। तो गाइस आपको दिख रहा हो तो इस तरह का पेस्ट बनेगा ये। तो गाइस इसे मैं अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। गाइस एलोवेरा एंड ग्लिसरीन हमारे फेस के लिए गाइस बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। गाइस इससे क्या होता है कि हमारे फेस पे गाइस एलोवेरा हमारी स्किन को हेल्दी भी करती है और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। गाइस ग्लिसरीन के फ़ायदे तो आप सभी को पता ही है। गाइस ग्लिसरीन हमारे स्किन को गाइस ब्राइटन अप करती है और हमारी स्किन को फेयर करती है। गाइस इन दोनों को मिक्सचर हमारी स्किन को हेल्दी भी करेगा और हमारी स्किन को फेयर भी करेगा। तो गाइस इसे अच्छे से अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है। तो गाइस इसे मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो जिस टाइम आप अप्लाई करते हो उस टाइम आप थोड़ी थोड़ी मसाज भी करते रहा करो साथ साथ। तो गाइस ऑलमोस्ट मेरे फेस पे इसे लग गया है। तो गाइस इसे मैं कम से कम 5 से 10 मिनट इसे ऐसे रहने दूंगी। सो गाइस ये मेरे फेस पे ड्राई हो गया है। तो गाइस इसे मैं कर लूंगी वॉश। तो गाइस आपको ठंडे पानी से इसे वॉश करना है। सो गाइस मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश। तो गाइस रिजल्ट आप देख ही सकते हो। तो गाइस ये DIY एलोवेरा फेशियल गाइस बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो गाइस इसे आप वीक में 1 से 2 बार जरूर करना। तो गाइस इससे क्या होगा कि हमारे फेस की जो डर्ट है गाइस वो 100% क्लीन करेगा और हमारे फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा और हमारे फेस को हेल्दी ग्लोइंग भी करेगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो और आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और हाँ गाइस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।